बुरहानपुर जिले के खड़कौत ग्राम पंचायत में भूमि आवंटन पर विवाद खड़ा हो गया है। इसी के चलते सचिव और उप सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बता दें कि ग्राम खड़कौत में भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि मुख्य सड़क से जुड़ी हुई है, जिससे आवाजाही में रुकावट होगी और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाएगी। इसके साथ ही ग्रामीणों ने ग्राम सचिव और उप सरपंच पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा कि भूमि आवंटन में अनियमितताएं की गई हैं। वहीं अपर कलेक्टर राजेश पाटीदार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हो चुका है और मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आए दिन खड़कौत ग्राम पंचायत बंद रहती है, ना ही सचिव आता है पंचायत में, ना ही सहायक सचिव पंचायत खोलता है, और कोई 2.5 साल हो गए चुनाव को, सरपंच चुनाव को, अभी तक कोई गांव में विकास नहीं हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि रोज पंचायत खुले और गांव वालों को आज जो ये हो रही समस्या, वो समस्या का ये सहायक सचिव और सरपंच द्वारा निराकरण किया जाए। पंचायत खड़कौत में विभिन्न कार्यों को लेकर जो है अलग अलग आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसमें से एक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत जो भवन बन रहा है उसके निर्माण को लेकर आपत्ति है, जो भूमि आवंटन हो रहा है। तो जितने भी आवेदन आए हैं, कुछ आवेदन जो है सीओ जनपद से संबंधित है, उन्हें सीओ जनपद बुरहानपुर को भेजा जा रहा है। कुछ आवेदन तहसीलदार दरियापुर से संबंधित है, उन्हें तहसीलदार दरियापुर को भेजा जा रहा है, और एक आवेदन एसपी साहब से संबंधित है, उन्हें एसपी साहब को भेजा गया है।